गाइस गाइस, आपको पता है मैं आईफोन 12 प्रो ले रहा हूँ, और अभी जो मैं बात करने जा रहा हूँ, जो डीलर है उस डीलर के पास बात करने जा रहा हूँ, और ये जो क्या बात हुई मैं आपको बता दूँगा पूरा, ठीक है। मैं सबसे पहले उस बंदे को कॉल करता हूँ और कॉल करके बताऊँगा। देखो, सबसे पहले मैं ये जो फ़ोन जो ले रहा हूँ ना, वो फेसबुक से, और इतना सस्ता शायद दुनिया के अंदर किसी भी जगह पर नहीं मिलेगा, इसलिए मैं फटाक से ले रहा हूँ ताकि ये फ़ोन ख़त्म ना हो जाए, ठीक है। तो ये वो इसका नंबर, और मैं अभी कॉल कर रहा हूँ। अपन कॉल के लिए आहे ये कौन सा तू भाषा है, सध्या इतर कोणाशी कौन बोलत सा? आहे हेलो। हेलो हाँ हेलो। बोलिए हाँ भैया, आपने फेसबुक में मैसेज किया कि वो आईफोन 12 प्रो एंड 11 प्रो है आपके पास। 12 प्रो मैक्स भी है 11 प्रो मैक्स भी है दोनों भी है हाँ भैया, ये दरअसल ये नया फ़ोन है क्या है? जी आपको मिलेगा ये हो गए तो मॉडल है iOS वर्जन 13.1.1 है जी 512 GB इंटरनल 512 GB इंटरनल मेमोरी 4 GB रैम अगर 12 प्रो लोगे तो 6 GB रैम है अच्छा इसका 6.5 इंच से इसका 6.7 इंच डिस्प्ले OLED अच्छा नहीं, मेरे को iPhone 12 चाहिए, वो 128 GB वाला, वो कितना पड़ेगा? चाहिए iPhone 12 128 GB जो वेरिएंट है वो चाहिए मेरे को। 12 प्रो ना हाँ, 12 प्रो। हाँ 12 प्रो मैक्स है ना हाँ, उसका कितना है? 21,500 21,500। या तो 21,500 या अच्छा, तो भैया अभी आप इसको डिलीवर कहाँ पे करोगे? आपको अगर हैंड टू हैंड चाहिए आपको थाने में आना पड़ेगा थाने कल्याण थाने कहाँ पे? थाने थाने पे, बॉम्बे। अगर या अगर आपको होम डिलीवरी चाहिए तो 4 दिन लगेगा होम डिलीवरी के लिए कैश और ऑन डिलीवरी है सिर्फ डिलीवरी चार्जेस एडवांस है कस्टमर कंफर्मेशन के लिए एंड कैश ऑन डिलीवरी के लिए 500 रुपीज तो एक्चुअली जी मैं तो अभी बॉम्बे से बोल रहा हूँ, तो आप अभी आप कहाँ पे हो इस वक्त? ऑफिस वहां पर है थाने में कल्याण भिवंडी नहीं, तो अभी मतलब कहाँ पे जाके मिल सकते हैं? मैं अभी फिलहाल के लिए मुंबई पे हूँ, मुंबई बैंड्रा पे हूँ। क्योंकि आप लेने गए ओरिजिनल तो लगभग 1.5 लाख रुपए का प्रोडक्ट है ठीक है तो थोड़ा सा रिस्की होता है इसलिए हम ज्यादा अगर हैंड टू हैंड नहीं करते लेकिन आप अगर आ गए वहां पर तो फिर आपको दिखा देंगे दिखाने की कोई प्रॉब्लम नहीं अच्छा, दिखा देंगे, हाँ दिखाने की अगर प्रॉब्लम आपको नहीं है। देखना ही है वैसे भी अगर देखना है सर अभी तो मैं गाड़ी खड़ा हूँ मैं आपको वीडियो कॉल भी बोलूँ सारे प्रोडक्ट दिखा सकता नहीं हूँ नहीं जो भी चाहिए वीडियो वीडियो कॉल की आप जरूरत मुझे नहीं है, कोई वीडियो बात नहीं है, ऐसा ट्रस्ट है कॉल यार। करके ही सेटिंग मतलब करते हैं नहीं, मेरे आपको आपके ऊपर ट्रस्ट है, आप कैश ऑन डिलीवरी सामान दे रहे हो तो ऑब्वियसली आप अच्छा ही दोगे, पैसा बाद में ले रहे हो तो वो जी अच्छा क्या है ना। क्या क्या मतलब आप कैश ऑन डिलीवरी सामान दे रहे हो तो ऑब्वियसली आपका सामान अच्छा होगी बाद में, मतलब वही है ना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा सर इसलिए तो हम हर कस्टमर करते हैं कस्टमर को पार्सल मिलने के बाद भी हम कस्टमर को पहले हम तो वीडियो कॉल करने को बोलते हैं बाद में ओपन करने को बोलते हैं सर ये प्रोडक्ट आज तक मिल जाता है और शाम में उनके स्टिकर या कुछ ऊपर मतलब डैमेज होता है तो फिर अच्छा कस्टमर बोलते हैं सर आपने डायरेक्ट प्रोडक्ट भेजा तो इसके हम पैकिंग भी करते हैं वीडियो कॉल के ऊपर और ओपनिंग भी प्रोडक्ट का वीडियो कॉल पर ही करते हैं ओ अच्छा सर, तो जी अभी मेरे को एक्चुअल में अभी मेरे को iPhone 12 Pro Max चाहिए, और ये जो फ़ोन है मेरे को, आप कब तक भिजवा देंगे सर? बॉम्बे में तो आपको 2 दिन 2 दिन में मिल जाएगा आज क्या आज डिस्कस करेंगे कल या हाँ परसों में आपको हाँ मिल जाएगा डिस्चार्ज तो आज जल्दी ही कर जाएगा दो तो ना अच्छा है ना यार, आईफोन किसको जल्दी नहीं चाहिए होता है यार, क्या बात कर रहे हो। हाँ बॉम्बे में हो तो आपको 2 दिन में मिल जाएगा 1 से 2 दिन या आज डिस्कस करेंगे कल शाम तक या फिर परसों परसों 100% मिल जाएगा हेलो हाँ जी, हाँ तो ठीक है ना इसके लिए आपको 21,000 तो वैसे भी कैश ऑन डिलीवरी है डिलीवरी हाँ चार्जेस एडवांस है सर और आपका पूरा एड्रेस चाहिए सिंगापुर के साथ में लैंडमार्क के साथ में जी और आपका पूरा मेरा नाम मेरा जो घर है वो है मुंबई। मैं आपको पिन कोड दे रहा हूँ, आप पिन कोड लिख लीजिए। नहीं आप पूरा डिटेल्स मुझे व्हाट्सएप कीजिए सर मैं गाड़ी चला रहा हूँ ओ, अभी आप गाड़ी चला रहे हो? आप पूरा डिटेल्स व्हाट्सएप कर दीजिए मैं आपको मेरा अकाउंट नंबर फोन नंबर आपको जो चाहिए दोनों में से आप डिलीवरी चार्जेस 500 रुपीज पे कर सकते हैं पे करने के बाद नहीं, आपको फाइव अगर हंड्रेड रुपीज़ मेरे, आप बॉम्बे से, आप थाने से मेरे को यहाँ पे बैंड्रा तक सामान भेजोगे, इतना कितना दूर है? मतलब 500 रुपीज़ में इसमें चार्ज यार ज़्यादा है। सर वो कस्टमर कंफर्मेशन है ना नहीं, वो प्रॉब्लम कॉन्फर्म ये है कि अगर मैंने आपको भेज दिया
मैं वीडियो कॉल करूंगा, सब कुछ करूंगा, आपको डिलीवरी चार्जेस के बिना भेज दिया सर मैंने आपको, और अच्छा आपने कैंसिल कर दिया सर। उसके मेरा जो एफर्ट है उसका मुझे क्या मिलेगा, पूरा जीरो हो जाएगा ना सर। नहीं, आपको देखो, आपका पैसा तो सबसे पहले आपका पैसा वो जो जो क्या बोलते हैं उसको, डिलीवरी बॉय है, वो डिलीवरी बॉय पैसा पैसा कलेक्ट करेगी, बाद नहीं में उसको तो सामान आपको देगी, देना ऐसा ही है ना? पड़ेगा, वो तो आपको क्या, वो तो सीओडी है ही ना सर, वो तो हाँ आपको उसको देना ही है। लेकिन हाँ बिना डिलीवरी चार्जेस के हम कस्टमर का कंफर्मेशन नहीं समझते, क्योंकि बहुत बार ऐसा हो चुका है सर हमारे साथ, बिना डिलीवरी चार्ज के भेजा, पूरा लॉस हमारा हुआ। उसकी वजह से सर ये जो रखा है हमने ऑप्शन, ये डिलीवरी चार्जेस जो है या फिर जिसको हम कस्टमर कंफर्मेशन चार्जेस भी बोलेंगे, तो वो मैंडेटरी सर, उसके बगैर हम पूरी प्रोसेस नहीं करते। अगर ओ आपको नहीं लेना है और आपको प्रोडक्ट देखना है तो भी मैं आपको प्रोडक्ट दिखा दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा आपको जब लगेगा तब फिर ऑर्डर कीजिए, तब बुक कीजिए, कोई बात नहीं। आपको देखना है तो मैं आपको दिखा दूंगा, एक्सप्रेस दिखाऊंगा, 11 दिखाऊंगा, 11 प्रो दिखाऊंगा, ट्वेल्व नहीं सर, मेरे दिखाऊंगा, पास भी ट्वेल्व अभी प्रो इलेवन मैक्स, है 11। हाँ सर, बोलिए ना। मेरे पास भी अभी इलेवन है, मेरे को इलेवन की ज़रूरत नहीं, अभी नीड है 12 की। ठीक है ना, फिर चलेगा, कोई बात, आपको देखना अच्छा है तो आप देख सकते हैं। नहीं ठीक नहीं है मेरे को देखना नहीं है, लेकिन सर ये जो कन्फर्मेशन है, कन्फर्मेशन तो एक काम करते हैं, आप हैंड टू हैंड दीजिए, आप बैंड्रा पे आज। सेल्स अच्छा मेरा काम होता है ऑर्डर निकालना, ठीक है, ऑर्डर निकालने के बाद पैकिंग वगैरह सब करके या मैं करूंगा, मैं तो नहीं करता ज्यादातर, मैं तो बाहर ही रहता हूँ, तो मेरा जो ऑफिस में जो बंदे होते हैं अच्छा वो आपको कॉन्फ्रेंस कॉल करके मैं आपको कॉन्फ्रेंस, मतलब उनको कॉन्फ्रेंस से लूंगा, पूरा पैकिंग आपके सामने होगा, और ओपन के समय आप डायरेक्टली मुझे भी कॉल कर सकते हैं, कॉन्फ्रेंस की कोई जरूरत नहीं, अच्छा एक क्योंकि बात वो बताइए, मैं नहीं रहता, अच्छा इसलिए अच्छा कर रहा एक हूँ। मिनट, अच्छा एक बात बताइए, आपने जो फेसबुक में जो ऐड डाला था, मतलब आपका जो वहाँ पे प्रोडक्ट डाला था, आप जो सिलेक्शंस कहाँ पे मतलब सेव किए थे आपने, जो यहाँ पे उसका क्या बोलते हैं, आप फेसबुक में अपना जो डाला है ना, वो आप कहाँ पे सेव किए थे, आप मतलब लोकेशंस कहाँ पे सेव किए थे, कहाँ लोकेशन तो हमारा पूरे एरिया में होता है, ऐसा कुछ नहीं। आप पे क्या आप मतलब पूरे कहाँ पे अपने सेव किए थे आपने, आप जो मतलब अपना जो यहाँ पे मार्केट प्लेस का जो लोकेशन है, आप कहाँ पे सेट किए थे ये बताइए ज़रा, नहीं बताइए ना ज़रा, नहीं यार इतने मतलब इतने पैसे का फ़ोन आप सस्ता दे रहे हो तो। ओरिजिनल मीन्स ओरिजिनल है ओरिजिनल नहीं? है ही नहीं, और ओरिजिनल प्रोडक्ट भाई 1.5 लाख रुपए का है, भाई ओरिजिनल प्रोडक्ट 1.5 लाख का नहीं है, नहीं वो नहीं नहीं 20 हजार में कहाँ से दूंगा। तो अभी आप मेरे को कौन सा फ़ोन देने वाले हो? ओरिजिनल दूंगा मैं, दूंगा आपको ये थोड़ी 12 प्रो मैक्स चाहिए तो मुझे दूंगा मैं आपको कॉपी में। ओरिजिनल ओरिजिनल आईफोन दोगे ना मेरे को, नहीं, ओरिजिनल कहाँ से दूंगा, 1.5 लाख का फोन है भाई, तो मतलब ये कौन सा फ़ोन है, ये ऐसा मॉडल का कौन सा फ़ोन है, ये कॉपी मॉडल है, कॉपी। कॉपी मॉडल है, मतलब ये चाइनीज़ फ़ोन है। अच्छा और आपका नाम क्या है? जी आपको क्या नाम चाहिए मेरा सर, आपने क्या नाम देखा, वही मेरा नाम है फेसबुक यहाँ पे क्या लिखा है मेरे को पता नहीं है, लेकिन आपको तो बात करने में लगता नहीं है कि आप यहाँ पे इतना बूढ़ा आदमी हो, आपको तो लगता नहीं है कि आप इतना बूढ़ा आदमी हो। हाँ बता देता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम, मैंने पहले भी बोला आपको लेना है लीजिए, नहीं लेना है मत लीजिए, आपको देखना है मैं दिखा दूंगा फ्री में, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा ठीक है, आप एक काम कीजिए, व्हाट्सएप में सामान भेजिए, जो फोटोज़ है वो भेजिए, और आपने सबसे पहले बोला कि आईओएस यहाँ पे 13.1 उसका अपडेट है, जो आईओएस का अपडेट है, तो उस टाइम आप ऐसा क्यों बोला? नहीं, आपने उस पहले बोला कि आईओएस जो है, आईओएस का अपडेट जो है वो है 13.1 अपडेट है, और अभी जो आईओएस का उसको लेटेस्ट तो अपडेट कहते चल हैं रहा आप है, तो, नहीं अभी जो लेटेस्ट अपडेट चल रहा है वो है 14.3 है, अभी जो है अपडेट लेटेस्ट चल रहा है आईओएस का। अच्छा वो इसमें है ना 12 प्रो में है, वो 11 में नहीं है, वो 11 में, ओ भैया आईओएस में जब अपडेट आता है ना, उस टाइम हर टाइम पे ऐसा मतलब सेम ही वहां आता पे है। हमारे पास में जो है वो 13। एक्चुअल में क्या है पता है, एक्चुअल में
एक तो ये बंदे के पास फ़ोन नहीं है, ये जो छिछुरापन कर रहा है, ये छिछुरापन मतलब उसको जो वो बोल रहा है कि उसको कन्फर्मेशन के लिए 500 रुपीज़ देना पड़ेगा, तो उसको 500 उसका ही काम हो गया। मतलब 500 लेने के बाद फुर काम हो गया उसका, बस बाकी मतलब वो समझ लो। मैं उसको एड्रेस दिया, वो सबसे बोला कि वो थाने पे है, मैं बोला कि मैं मुंबई बांद्रा पे हूँ अभी, इस जगह पे मेरे को दे दो। यार थाने से मुंबई बांद्रा कितना दूर है यार, इस जगह पे 500 रुपीज़ चार्ज मतलब हद होती है। मेरे को बाद में ये डाउट हुआ कि, और सबसे पहले बोला कि सबसे पहले ये पकड़ लिया मैंने कि ये बंदा फेक है, क्योंकि अभी जो लेटेस्ट अपडेट चल रहा है वो 14 पॉइंट कितना है, 14 के ऊपर है, और वो बोल रहा है कि अभी 13 पॉइंट यान। इतना बड़ा उल्लू का बट्टा है क्या आयुष का जो कंपनी है, वो इतना बड़ा उल्लू का बट्टा है जो अभी जो लेटेस्ट फ़ोन को अभी अभी 13 पॉइंट इसको अपडेट देगी। थोड़ा दिमाग लगा के सोचना चाहिए। और इसी के लिए भी बहुत सारे लोगों को स्कैम हुआ है, ये सब स्कैम जो मतलब जेन्युइनली बात करते हैं कि बोलते हैं कि सर हाँ मैं आपको जो फ़ोन जो है आपकी घर पे पहुंचा दे रहा हूँ, ऐसा कर रहा हूँ ऐसा कर रहा हूँ, आपका फ़ोन जेन्युइनली मिल जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता यार। दुनिया के अंदर हर चीज़ सही नहीं है, हर चीज़ जो अच्छा नहीं है, ईमानदार नहीं है, ठीक है, तो थोड़ा संभाल कर रहो, ठीक है। ऐसा चीज़ जो बिल्कुल भी मत खरीदो यार। आईफोन तो हर किसी की प्यारी है, लेकिन आईफोन ख़रीदने के लिए थोड़ा पैसा जो है इन्वेस्ट करना पड़ता है, बहुत सारा पैसा जाती है। मैं भी जो अभी जो एक आईफोन चला रहा हूँ, बहुत सारा पैसा खर्चा करने के बाद एक आईफोन छोटा मोटा एक आईफोन लिया हूँ, ठीक है। तो एनीवे बस इस वीडियो को यहीं पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, बस ये बहुत बड़ा स्कैम था, स्कैम से बल बल बच गया हूँ। एक्चुअली मेरे को पहले से ही पता था कि ये स्कैम होने वाला है मेरे साथ, तो ये मेरे को मैं तो बच गया हूँ, आप लोग भी बच जाएगा। और इस वीडियो को आपको लगता है कि इस वीडियो आपके लिए यूज़फुल हुआ है कि किसी दूसरे बंदे के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, आपका फ्रेंड गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या मदर सिस्टर कुछ भी है किसी के पास शेयर करो, ठीक है। और आपके फैमिली ग्रुप से इसको शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि हर आदमी को ऐसा नॉलेज वीडियो मिलना चाहिए, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।